नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सर, ओम गायत्री क्लासेस से। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछले वीडियोस को किस तरीके से आपने देखा और उससे सीखा, और बोर्ड एग्जाम में उससे आपको जिस तरीके से लाभ मिला है उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। और ये वीडियो जो इंग्लिश के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर ये बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए। हाई स्कूल की परीक्षा और इंग्लिश की परीक्षा, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें विद्यार्थियों को सबसे पहले अपनी विषय वस्तुओं को लेकर के उसे एकाग्रचित्त होकर के असेंबल करने की प्रॉब्लम सामने आती है। प्रोज एक सेक्शन होता है जिसमें आपको 5 या 6 चैप्टर मिलते हैं। एक सेक्शन पोएट्री होता है जिसमें आपको 3 या 4 चैप्टर मिल जाते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री है, ठीक इसी तरह सप्लीमेंट्री में भी आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। उसके बाद एक लार्ज सेक्शन है, बड़ा सा, जिसमें पूरा ग्रामर पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है पूरा का पूरा, फिर यूजेज हैं, टेंसेस हैं, सिंटैक्स है, करेक्शन है, कहाँ कहाँ इनकरेक्ट हो रहा है, पंक्चुएशन कैसे आप प्लेस कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एसे है, लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मित्रों, एक सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, अंतिम समय में बोर्ड परीक्षा जब एकदम नज़दीक है, 2 या 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए? अब एक बड़ा विषय है ये, और इस पर सोचने के लिए हमें कम से कम 5 मिनट चाहिए। और वो 5 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूँ, निश्चित तौर पर दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यूपी बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट्स। एक एक बात अगर आप शुरू से देखें, प्रोज सेक्शन से लेकर के जब मैं ग्रामर सेक्शन तक जाऊंगा, जिन जिन चैप्टर्स की बात करूंगा, उन चैप्टर को जरूर अटेम्प्ट करिए, जरूर पढ़िए। और हम तो ये कहेंगे फ्रॉम 0 टू 100 स्टडी होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले प्रोज सेक्शन की बात करेंगे। प्रोज सेक्शन में द इंचेंटेड पूल पहला चैप्टर है क्लास 10th। दूसरा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तीसरा चैप्टर है द गंगा। चौथा चैप्टर है सोक्रेट्स। पांचवा चैप्टर है टॉर्च बेयरर। और छठा चैप्टर है और इंडियन म्यूजिक। जरा ध्यान से देखें, इन सारे चैप्टर्स को अंतिम समय में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको अगर प्रिपेयर करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको 100% मार्क्स भी दिलाएं और आपके ऊपर बर्डन भी कम हो, तो उन चैप्टर्स को मैं सजेस्ट करता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ। पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। दूसरा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड चैप्टर टॉर्च बेयरर जरूर पढ़िएगा। ये 3 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। अगर 100% आप सिक्योर होना चाहते हैं, निश्चिंत होना चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन न छूटे, तो द गंगा चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं 3 महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में सिंपल एनालिसिस करता हूँ। पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, जो महाभारत की घटना से प्रेरित है। अब जो बच्चे पौराणिक कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए चैप्टर थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। आप सबने एक सिंपल कहानी इसकी पढ़ी होगी कि 5 पांडव थे, वो जंगल में जिस समय गुजर रहे थे, उनको प्यास, अपनी प्यास बुझाने के लिए सबको एक तालाब, एक स्वच्छ तालाब की खोज थी। ड्यू टू रिस्पेक्ट, सबसे पहले सबसे छोटे भाई जाते हैं कि हम जा करके पानी ढूंढेंगे और अपने बड़े भाइयों को भी पिलाएंगे। एक एक करके नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब चले जाते हैं और कोई लौटता नहीं। यह देख करके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर बहुत चिंतित होते हैं। सोचते हैं हमारे सारे भाई एक एक करके पानी की तलाश में गए और कोई लौटा नहीं, और सब एक से एक बहादुर हैं। भीम के पास अद्भुत बल है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता है। अर्जुन बड़े धनुर्धर हैं। नकुल और सहदेव भी तमाम शस्त्र को चलाने में पारंगत हैं, फिर भी कोई वापस नहीं लौटा। इस बात से बहुत चिंतित होते हैं और वो खुद भी जल की तलाश में। ढूंढते ढूंढते जब एक अच्छा जलाशय उन्हें दिखता है, तालाब दिखता है, तो वहाँ वो ठहर जाते हैं और सोचते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्वेंच माई थर्स्ट, सबसे पहले मुझे अपनी प्यास बुझानी चाहिए, उसके बाद भाइयों को ढूंढेंगे। लेकिन जब वहां जाकर के देखा, उनके सारे भाई बेहोश पड़े थे, सब मूर्छित पड़े हैं। उनके मन में कुछ सवाल उठे कि इन भाइयों के साथ हुआ क्या होगा। व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर, जब युधिष्ठिर ने प्रयास किया पानी पीने का, तो फिर जिसका वो तालाब था यक्ष, वो बोल उठे, युधिष्ठिर जी वो गलती मत करिए जो आपके अन्य भाइयों ने की है। पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा, तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। युधिष्ठिर बिना किसी उत्तेजना के उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। वो सारे प्रश्न क्रमबद्ध तरीके से आपके इस चैप्टर द इंचेंटेड पूल में रखा गया है। इन जो यक्ष ने जो प्रश्न पूछे हैं, कितनी बुद्धिमत्ता के साथ, कितनी सहजता के साथ युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया है, यही इस चैप्टर की मेन थीम है। ये चैप्टर अगर इस तरीके से समझ करके उनके सारे के सारे क्वेश्चंस जो यक्ष ने पूछे हैं और युधिष्ठिर ने जवाब दिए हैं, एक एक अगर पढ़ लेंगे, सब एक लाइन का प्रश्न है और एक ही लाइन का जवाब है। निश्चित तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इसमें एक किसान लेंचो, जिसकी खेती बर्बाद हो जाती है, फिर वो किससे मदद मांगने जाए, वो बहुत थोड़ा सा एथिस्ट है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है भगवान पर, और भगवान पर इतना विश्वास रखता है कि वो सोचता है भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। एंड ही ट्राइड टू राइट अ लेटर टू द गॉड, भगवान के लिए उसने पत्र लिखा, और वह पत्र जब पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों ने उसे देखा, और अटूट विश्वास भगवान पर देख करके वो लोगों ने सर्वसम्मति से ये सोचा कि अगर इसका अटूट विश्वास भगवान से हट जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि भगवान का कोई पता है नहीं कहाँ ये पत्र भेजा जाए, तो वी हैव टू सपोर्ट हिम, हमें उसका कहीं ना कहीं से मदद करें हम लोग उसकी। तो सारे के सारे कर्मचारियों ने मिलकर के कुछ जितना उनसे हो सका उतना पर्याप्त धन एकत्रित किया, लेकिन उसने मांगा था 100 पिसोस, और सारे के सारे कर्मचारी मिलकर के भी ओनली 70 पिसोस कलेक्ट कर सके। जब मनी ऑर्डर पहुंचता है उसके पास, वो खुश होने की बजाय गुस्से से तिलमिला उठता है और भगवान को एक और पत्र लिखता है कि भगवान दोबारा मनी ऑर्डर डाक के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये डाक वाले बहुत चोर हैं, बहुत दुष्ट हैं। आपने तो भेजा होगा मेरे पास 100 पैसों ही, क्योंकि आप तो बहुत काइंड हार्टेड हैं। ये सारे कर्मचारियों ने रास्ते में 30 पैसों निकाल लिया होगा। तो ये कहानी भी बड़ी अद्भुत है, उस फार्मर की भगवान पर जिस तरीके का अटूट विश्वास है, निश्चित तौर पर बहुत ही इंप्रेसिव है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे पढ़ करके आप इसके क्वेश्चन आंसर भी बड़ी सहजता के साथ कर सकते हैं। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ने की मैं सलाह देता हूँ, वो टॉर्च बेयरर है। टॉर्च बेयरर में आपको गुरु नानक जी के बारे में बताया गया है, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहल करके ज्ञान की बातें बताया करते थे, और उससे अलग अलग मनुष्यों में किस तरीके से जन भावनाएं प्रभावित होती थी, ये आप देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन 3 चैप्टर्स को जरूर पढ़िएगा, द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड और टॉर्च बेयर। इसके बाद आप अपनी सुरक्षा के लिए कि आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटने ना पाए, तो द गंगा चैप्टर भी अवश्य पढ़ लीजिए। ये सारा का सारा सेक्शन था प्रोज का। अब हम आते हैं पोएट्री की तरफ। पोएट्री बेहद आसान हो जाती है हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए, तो अगर आप 3 चैप्टर भी आसानी से इसके पढ़ लेते हैं, एक है द फाउंटेन, दूसरा है द परफेक्ट लाइफ, और तीसरा है अ नेशंस बिल्डर। इन 3 चैप्टर्स के सेंट्रल आइडियाज, 4-4 लाइन कम से कम पोएम आपको याद होनी चाहिए। इन चैप्टर्स को अवश्य पढ़िएगा, इन 3 चैप्टर से आपको 100% क्वेश्चन पोएट्री के मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, प्रोज के 3 या 4 चैप्टर्स और ये 3 चैप्टर पोएट्री के। अब बचती है बात सप्लीमेंट्री की। हाई स्कूल का सिलेबस कुछ ऐसा है ही है, सबसे ज़्यादा
चैप्टर्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं प्रोज में, उससे कम अटेम्प्ट करने होते हैं पोएट्री में, और फिर सप्लीमेंट्री में सबसे कम अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं आपको केवल दो चैप्टर पढ़ने की सलाह दूंगा। वो दो चैप्टर हैं, पहला द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है। वो बल्ब बनाने की पूरी कहानी, किस तरीके से शरारती व्यवहार करता था एडिसन बचपन में, और उसके प्रयोग बहुत ही सिली हुआ करते थे। एक्सपेरिमेंट्स वॉज वेरी सिली, बहुत ही मूर्खतापूर्ण होते हैं। कभी वो अंडे पर बैठकर अंडे फोड़ देता है, कभी वो नौकरानी की बच्ची बच्ची को वॉर्म्स घोल करके पिला देता है, कीड़े मकोड़े पिला देता है, और कहता है यू कैन फ्लाई नाउ, क्योंकि बर्ड्स भी कीड़े मकोड़े खाती हैं और वो उड़ सकती हैं, अगर तुम भी कीड़े मकोड़े खाओगी तो उड़ जाओगी, ऐसा करके उसे पिला देते हैं और फिर वो बीमार पड़ जाती है। ऐसे कई सिली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और इनके इसी सिली बिहेवियर की वजह से इनको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। फिर इनको एक प्राइमरी टीचर्स मीन्स माँ, इनकी माँ ही इनकी सबसे अच्छी अध्यापक बनती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, और लगभग हजारों हजार एक्सपेरिमेंट के बाद जा करके ये बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त उन्होंने प्रॉमिस किया था अमेरिकन से कि मैं पूरे के पूरे अमेरिका को एक दिन बल्ब के उजाले में जगमगाऊंगा। सो उन्होंने करके दिखा दिया। इन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया। तो एडिसन के बचपन से लेकर के इनके अंतिम अवस्था तक की पूरी कहानी इस चैप्टर में है, जिसे आप बहुत सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़िए, एक एक बातें याद रखिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया, कब वो रेलवे में नौकरी करना शुरू करते हैं, कैसे वो न्यूज़पेपर बेचते हैं, कैसे वो लेबोरेटरी स्थापित करते हैं, और ओवरऑल किस तरीके से वो व्हाइट हाउस में सम्मानित किए जाते हैं। ये तो थी पूरी की पूरी कहानी एडिसन की। अब दूसरा चैप्टर जो आपको इसमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री में, वो है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की निर्णायक कुर्सी जिस पर बैठ करके निर्णय दिया करते थे विक्रमादित्य। वो अपने समय के सबसे ज्यादा ईमानदार राजा थे, और राजा के जाने के बाद उनका महल ध्वस्त हो गया, उनके महल के ऊपर घास फूस सब फैल गई, लेकिन उसी के नीचे कहीं दबी थी विक्रमादित्य की कुर्सी। विक्रमादित्य की कुर्सी एक्चुअली दिखती नहीं थी, ऊपर से मिट्टियों से ढकी हुई थी, ग्राउंड फील्ड था, लोग चारागाह की तरह उसे प्रयोग में लाते थे, लोग अपने गाय बछड़े सबको वहाँ चराने के लिए लाया करते थे, और वो गडेरिए के बच्चे शेफर्ड बॉयज सुबह सुबह आते थे और वहाँ खेल भी खेलते थे अपने अपने अनुसार, जिस तरीके से हो सकता था वो वहाँ करते थे। वहाँ एक टीले जैसा स्थान था जिस पर एक दिन एक शेफर्ड बॉय बैठ जाता है, और उसके अंदर विक्रमादित्य के सारे गुण आ जाते हैं। वो जो भी डिसीजन करता है विक्रमादित्य के जैसा ही करता है। कुल मिलाकर के जब तक उस कुर्सी पर वह लड़का बैठा रहता है ही वॉज बिहेविंग एज विक्रमादित्य, लेकिन जैसे ही उस कुर्सी से नीचे आ जाता था वो एक बहुत ही जन सामान्य साधारण शेफर्ड बॉय हो जाता था। इस घटना से लोग बड़े प्रभावित हुए, दूर दूर तक के लोग उससे आकर्षित होकर के आने लगे। तो पड़ोसी राज्य के एक राजा थे जिनको इस बात का पता चला, वो समझ गए निश्चित तौर पर वहां विक्रमादित्य की कुर्सी होगी, और उन्होंने इस विक्रमादित्य की कुर्सी को वहां से खुदाई करके निकलवा करके अपने महल में रख दिया कि अब हम यहाँ बैठ करके निर्णय दिया करेंगे। अब राजा उस पर विराजमान होना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन थी। उसमें एंजल्स थे जो अलग अलग स्लैब पत्थरों के लेकर के लगी हुई थी एंजल्स, उस पूरे के पूरे सिंहासन में एक एक करके वो सारी एंजल्स उड़ती चली गई, और उनकी कुछ सर्कमस्टेंसेस थी, कुछ परिधियां थी जिस पर राजा खरा न उतर सका, जिसकी वजह से अंततः पूरा का पूरा सिंहासन ही आकाश मार्ग में उड़ जाता है और राजा के हाथ में कुछ भी नहीं बचता। विक्रमादित्य की यह एंशियंट स्टोरी जिस तरीके से इस चैप्टर में रखी गई है, एक एक करके क्रम से जरूर पढ़िए, और बहुत ही रोचक चैप्टर है। कुल मिलाकर के आपने एक पूरा का पूरा सेक्शन अब देख लिया जिसमें प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री। दूसरा सेक्शन बेहद आसान है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव
प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये बेसिक नॉलेज है। और आपको सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स याद होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। आप सब जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो एस सी आई एस लगाते हैं वर्ब में, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप ज्यों का त्यों वर्ब लिख देते हैं उसमें ना एस लगाते हैं ना एस लगाते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आप हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डच का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप पास्ट टेंस में जाएंगे देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आई एन जी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। इसी तरह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो विल बी ऑब्लिक शैल बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब और सब्जेक्ट के बीच जो संबंध है अगर वो आपको तैयार हो जाता है, चूंकि अगर टेंस का बेसिक आपको तैयार है तो आपको एक्टिव एंड पैसिव में बहुत मदद मिलेगी, आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बहुत मदद मिलेगा। तो ये पूरा सेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं तो कहूँगा कि टेंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, इससे आपको लिटरेचर में भी, प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री में भी सहायता मिलेगी आंसर्स को करने में, अगर आपको आंसर्स याद नहीं है तो। और अंतिम विषय जो मैं अब चुनने जा रहा हूँ, लेटर एसे और एप्लीकेशन का है। एक एप्लीकेशन आप अच्छा तैयार कर लीजिए, निश्चित तौर पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके अंदर लिखी गई बॉडी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बॉडीज हमेशा वेरी करती रहती हैं, विषय हमेशा वेरी करते रहते हैं, तो वो वेरिएशन तो लगातार रहेगा ही, लेकिन आपका फॉर्मेट आपको कुछ निश्चित मार्क्स हमेशा दे जाता है। बीच में जो आप मैटर लिखते हैं वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। कभी कभी तो प्रिंसिपल के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हो, अगर आपको लेटर आ गया है तो फिर हो सकता है न्यूज़पेपर एडिटर के लिए दे दे, तो बॉडी बदलेंगी लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। तो लेटर का भी फॉर्मेट देख लीजिएगा और एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट देख लीजिएगा। ऐसे लिखने के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं एग्जाम में, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेसिक डिफरेंस ऐसे में यही है, आपको हेडिंग दे दी जाती है, उन हेडिंग के थ्रू आपको उस पर मैटर लिखना होता है, जबकि इंटरमीडिएट में बिल्कुल भी हेडिंग नहीं दी गई होती है, आपको अपने ही मन से जो टॉपिक वो दिए होते हैं उस पर ऐसे फॉर्म करना होता है और ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे की तैयारी के लिए हम तो ये कहेंगे कि आप कुछ करंट मुद्दे जैसे टेररिज्म पढ़ सकते हैं, आतंकवाद, बढ़ती महंगाई, प्राइस राइजिंग, और ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या जो हो रही है आजकल, वुमेन इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की महिलाएं, कंप्यूटर के क्या इम्पैक्ट हैं हमारी लाइफ पर, ये टेलीविज़न एक अच्छा मुद्दा हो सकता है। और साथ ही साथ अपनी फेवरेट बुक पढ़ लीजिएगा जैसे रामायण पर, एक कोई फेस्टिवल से पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर के मैटर आप एक बार जनरली से स्टडी कर लीजिएगा, कम से कम शब्द हों लेकिन वो प्रभावशाली हों, लोगों के मन में एक जो भ्रांति है, अंतिम लाइन में मैं उसे समाप्त कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा ऐसे लिखना हमेशा एग्जाम में स्कोरिंग होता है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आप कितना इम्प्रेसिव लिखते हैं, मैं तो कहता हूँ केवल 1.5 या 2 पेज का ऐसे लिखिए बोर्ड एग्जाम में, 2 पेज का ऐसे लिखिए, लेकिन वो 2 पेज का ऐसे इतना जबरदस्त हो, इतना सीक्वेंस में हो कि पढ़ने के बाद नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए अध्यापक। तो पूरी की पूरी शुभकामनाएं हैं अगले परीक्षा के लिए आपके,
27 तारीख को होने वाली इस परीक्षा के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।